हम हमारी सारी साधनाओं को, जैसे एक दिन की साधना करने पर अगर विद्यानंद स्वामी स्वर्ण वर्षा करवा सकते हैं, एक दिन की साधना करने पर स्वामी निश्चलेश्वरानंद निश्चलेश्वरानंद जी सिद्धाश्रम पहुंच सकते हैं, स्वामी सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, गुरु कृपा प्राप्त कर सकते हैं, तो वही साधना आपको भी मैं करवाना चाहता हूँ, लेकिन वो 6 से 8 बजे करवाऊंगा और आपके जीवन के उसको आपके जीवन को वो अमूल्यमय जीवन प्रदान करना चाहता हूँ। आप सभी लोग एक बार आपके मन से जय घोष करेंगे, 3 बार आपके मन से, मैं नहीं बोलूंगा, आप जय घोष करेंगे, दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, ये भी बात बता दे रहा हूँ।
ये साधना आपके हर साधना का एक जोड़ है। यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा जो कोई भी साधना करेंगे इस साधना के बाद स्वामी कृष्ण की कृपा से आपकी साधनाएं संपन्न होगी और आपके किए हुए सारे पापों को धोकर आपको सिद्ध करवाने की क्रिया है। इस क्रिया को मैं 6 से 8 करवाऊंगा, लेकिन कब करवाऊंगा, मैं जय गुरु आज्ञा हूँ। आप सब लोग स्फटिक माला से ओम ह्रीम परम नाना गुरुभ्यो का 5 माला जप करें, मैं भी आपके साथ करता हूँ। आज्ञा हुई तो काम हुआ, आज्ञा नहीं हुए तो हम केक कट करेंगे, नाचेंगे गाएंगे और चले जाएंगे। अक्षरी को जैसा बोला हूँ वैसा आपको केक कट करते समय अक्षय को पूरा छूट दे रहा हूँ कि वो कितना भी अपने तरफ से गुरु जी के समक्ष नाचे, क्योंकि गुरु जी का कहना है जो गुरु के सामने नाचता है वो संसार को नचाता है और जो गुरु के सामने नहीं नाचता संसार उसे नचाता है। आप देख लेना क्या करना है। आप सब लोग 5 माला जप करें, ओम ह्रीम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। उसके बाद मैं गुरु जी की कर्पूर आरती संपन्न करूंगा, गुरु से प्रार्थना करूंगा कि गुरु जी इस साधना को देने की आप आज्ञा मुझे प्रदान करें। केवल आश्रमवासी, मैं श्री श्रीरंग को कहा था आश्रमवासी केवल 11 बिलो पत्र लेकर यहाँ आ जाए और मैं सामने गुरुपालताएं रख रहा हूँ आश्रमवासियों को। वह कार्य क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से अपना सर्वस्व समर्पण करके आए हैं, वो लोग पादुकाओं पर बिलो पत्र 11 चढ़ाकर यहाँ से जाएं। केवल आश्रमवासी, आश्रम में रहने वाले श्रीरंग को कहता हूँ कि आश्रमवासियों को बुलवा लो और उनके हाथों से बिल्व पत्र गुरुपादुकाओं पर चढ़ाने की क्रिया करो।